गुरामी है, आज ही इसका सुबह डेथ हो गया, पता नहीं चला कैसे अचानक डेथ हो गया। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हनी गुरामी है और छोटे छोटे दो और गुरामी हैं, तो ये लोग आपस में मार किए होंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन जो गुरामी फिशेस होते हैं वो अपने अपने स्पीसीज में ही मारते हैं बहुत ज़्यादा, तो अपने स्पीसीज में ही चेस करते हैं, दौड़ाते हैं, दूसरे को मारते हैं, तो शायद वही एक वजह हो सकता है ये फिशेस मरा हुआ। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये ट्रॉपिकल फिश है और इसे उतना हार्ड वाटर पसंद नहीं है, यानी वाटर में अगर आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम घुला हुआ रहे तो फिशेस को सर्वाइव नहीं कर पाता है। शायद यही एक वजह रहा होगा कि एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा डिसॉल्व मिनरल हो गया होगा, तो जिसकी वजह से ही मरा होगा, क्योंकि एक्वेरियम में बहुत सारे गंदगी था, तो सारे गंदगी ऊपर उठ के आए थे तो पूरे एक्वेरियम में घुल गए थे, तो शायद उसी वजह से ये फिशेस मरा होगा, क्योंकि ये फिशेस ज़्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये फिशेस बहुत एक्टिव थे और लग नहीं रहा था कि मरेगा, लेकिन मर गया। फिर भी 6 महीने तक जिंदा रहा मेरे एक्वेरियम में। ऐसे ये फिशेस का लाइफ अच्छा होता है, 8 से 10 साल होता है, तो ये फिशेस का ऐसा हो गया है। मैं इसको जाऊंगा थोड़ा सा, ये इसको मिट्टी में दफन कर दूंगा। बाय गाइस।